सो हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए और मस्त हो गए। सो गाइस, अभी मैं हूं लाजपत राय मार्केट के अंदर, शॉप नंबर 56, जो कि है हमारा गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर बोर्ड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के बीटी कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। जो हमारे हैवी एम्पलीफायर बोर्ड्स होते हैं वो भी आपको भैया के पास में मिल जाएंगे। भैया के पास में आपको डिफरेंट टाइप के लिथियम एंड बैटरीज, स्टीरियोस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक बार भैया की शॉप का एड्रेस दिखा देता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये भैया की शॉप और ये भैया की शॉप का एड्रेस। और भैया की शॉप है शॉप नंबर 56, दीवान हॉल रोड के पास में, लाजपत राय मार्केट के अंदर, चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर। चलिए फटाफट से मैं आपको भैया से मिलाता हूँ और जानते हैं सारी चीजों के बारे में, भैया के पास में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है और क्या क्या प्राइस पॉइंट पर ये सारी चीजें हमको मिल रही हैं। सो हेलो भैया, कैसे हो? हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है, मेरा मोबाइल नंबर है 8920443541। ओके, तो सुनील भैया क्या क्या दिखाने वाले हो आप हमको? मैं आपको ऑडियो बोर्ड दिखाने वाला हूँ, ऑडियो बोर्ड के हर तरह के सर्किट दिखाने वाला हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करें फिर? सबसे पहले हम शुरू करते हैं 5200 के बोर्ड से। 5200 के बोर्ड से? ये 5200 बोर्ड है हमारा, 5204 मॉस्फेट में है ये। ओके, ये 200 वाट का बोर्ड होता है, 720 रुपए इसकी कॉस्ट होती है। इसमें कैल्ट्रॉन के कंडेंसर लगे हैं। ठीक है, कैल्ट्रॉन के कंडेंसर है। और ये हमारा एसी बोर्ड है, डीसी बोर्ड है? ये एसी बोर्ड है। एसी बोर्ड? हाँ जी। ओके, यानी सिर्फ हमें इसमें जो है 24024 का ट्रांसफॉर्मर लगाना है? हाँ जी। ओके, 24024 5 एम्पीयर का ट्रांसफॉर्मर लगेगा, उससे चलेगा। ठीक है, और कॉस्ट कितनी बताई भैया आपने इसकी? 720 रुपीज का बोर्ड पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट वाला कौन सा है? हमारे पास इससे बड़ा बोर्ड मिल जाएगा, 6 मॉस्फेट का बोर्ड है हमारे पास, 6 मॉस्फेट के अंदर, यानी 300 वाट का ये। हाँ जी, 300 वाट का है। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, 30-30 5 एम्पीयर लगेगा आपका। ठीक है, ये 3 चैनल में बना हुआ है, राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, सब ऊपर भी चलेगा इस पर एक। Okay. इसमें भी कैल्ट्रॉन कंडेंसर लगे हैं हमारे। ओके, और ये आपको पड़ेगा 1180 रुपए। तो भैया ये हमारा 2.1 चैनल बोर्ड है बेसिकली, इसके अंदर हमारे जो है 2 स्पीकर कनेक्ट हो जाएंगे और एक सबवूफर कनेक्ट हो जाएगा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ में हमको ये यहाँ पर नोब्स मिल जाते हैं, बेस, ट्रेबल, सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। और भैया इसमें सीधा हमको खाली पावर सप्लाई लगानी है ना? 30-30 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाइए, या फिर अगर आपको डीसी में चलाना है, ट्रैक्टर वगैरह में चलाना, तो 30-30 की ये वाली सप्लाई लगेगी इसके साथ। ओके, सप्लाई भी मिलती है आपके पास में? सप्लाई मिल जाएगी, सप्लाई की कॉस्ट है 380 रुपीज, ये एक्स्ट्रा परचेस करनी पड़ेगी आपको। ओके, ये तो सप्लाई लगा के आप इसे ट्रैक्टर पे भी लगा सकते हैं। ओके, तो मैं मतलब ये वाली जो चीज है इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये 12 वोल्ट से हमारा 30-30 में कन्वर्ट करके आपको देगा, ये बोर्ड चला देगा। ओके, ये बोर्ड इससे चल जाएगा, फिर ये ट्रैक्टर पे भी लग जाएगा, आजकल ट्रैक्टर पे बहुत रखता है। ओके, तो क्या कॉस्ट होगा भैया इसका बोर्ड का? 380 रुपीज का। ये आपकी 24024 28028 तक की सप्लाई है, 280 रुपए की सप्लाई है। ओके, ये किसी भी बोर्ड पर लगा सकते हैं, किसी भी 12 वोल्ट के बोर्ड को 24 वोल्ट करना हो तो ये लगा के हो जाएगा। ओके भैया, इसके बाद हमारा एक ये बोर्ड आ जाएगा, डायरेक्ट ट्रैक्टर वगैरह पे गाड़ी में ऐसे ही लग जाता है, डायरेक्ट ये डायरेक्ट लग जाएगा। हाँ जी, डायरेक्ट लग सीधा बैटरी से कनेक्ट करना है, सीधा इसमें यही इनबिल्ट है। ओके, इसकी पावर सप्लाई ये इनबिल्ट है, ये बोर्ड आपको पड़ेगा 1600 रुपए का कॉस्ट करेगा, 4 मॉस्फेट 200 वाट का हैवी बोर्ड बना हुआ एकदम। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, पीसीबी क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी अच्छी तरीके के इसमें कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं सारे, आप लोग देख सकते हैं। और हीट सिंक भी काफी हैवी लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ जी, इसमें सारे हीट सिंक हैवी लगे हुए हैं, इसमें बास्टेबल का बोर्ड ये साथ आएगा। ओके, बास्टेबल बोर्ड इसके साथ में है, 1600 रुपए का। ओके, तो भैया 1600 रुपए इसकी प्राइस होने वाली है? 1600। ओके, बेसिकली गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये वाला बोर्ड ज्यादातर हमारे ट्रैक्टर वगैरह में यूज होता है, जहाँ पर हमें हैवी स्पीकर्स यूज करने होते हैं, जो हमारे 10-12 इंची से ऊपर के होते हैं। तो भैया नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? हमारे पास 5200 डीसी मिल जाएंगे, ये 5200 डीसी है। ओके, ये डायरेक्ट हमारा डीसी पावर सप्लाई चलेगा, ये 500 रुपए कॉस्ट आती है। ये 200 वाट का है ना? 200 वाट का है। ओके, ये वाला भी 200 वाट का है, 5200 डीसी भी है इसमें, 5200 हमारे पास मोनो हुई है, वो 540 रुपए का कॉस्ट करेगा। तो भैया ये वाला जो है ये मोनो है, स्टीरियो है? ये स्टीरियो है, ये वाला स्टीरियो है। ओके, इसमें मोनो भी मिल जाएगा हमारे पास, मोनो 540 रुपए कॉस्ट करेगा, मोनो भी है हमारे पास 200 वाट में। इसके बाद हमारे पास ये मिल जाएगा, ये 72-65 का बोर्ड है, 380 रुपए की कॉस्ट है इसकी, 72-65 है, इसी में होम थिएटर वगैरह के लिए बहुत अच्छा चलता है ये। ओके भैया, इससे कितने वाट के स्पीकर ड्राइव हो जाएंगे हमारे? इससे आप 8 इंची स्पीकर बहुत आराम से चला सकते हैं, 8 इंची स्पीकर 10 इंची तक भी चला देगा, बट 8 इंची तक चलाइए, ज्यादा बढ़िया है। तो कितने स्पीकर लग जाएंगे इसके अंदर? इसमें ये 4 स्पीकर चला देगा आपका, 4 चला देगा। ओके, तो इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है? 380 रुपीज। और नेक्स्ट वाला एसटी क्या जाता है? एसटी के 4141 है, इसे ये एसटी के 4141 24 वोल्ट से चलती है वाली, चलेगा। और इसकी जो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट आएगी 580 रुपए कॉस्ट करेगा ये। ओके, तो कितने स्पीकर ड्राइव कर सकते हैं सर? इससे आप 2 स्पीकर चला सकते हैं, बहुत अच्छे 12 इंची के 2 स्पीकर इससे चल जाएंगे, और 24 वोल्ट की इसमें हमको सप्लाई देनी है, सप्लाई देनी पड़ेगी। ओके, सिंगल सप्लाई 24 वोल्ट की, 24 यानी 24 वोल्ट का इसमें हम SMPS यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। okay. इसके बाद हमारे पास 2.1, 4.1, 5.1 के बोर्ड मिल जाते हैं होम थिएटर के लिए, बेसिकली ये 5.1 है। okay. ये 320 रुपीज कॉस्ट है, इसी में आपको 2.1 मिल जाएगा, 170 रुपीज कॉस्ट है,
4.1 मिल जाएगा, उसकी 250 रुपीज कॉस्ट है। ये सब 20-30 आईसी में बने हुए हैं तीनों बोर्ड सारे। तो भैया इनके कनेक्टर्स वगैरह सब मिल जाते हैं आपके पास? कनेक्टर वगैरह सब मिल जाते हैं। ओके मिल जाते हैं, अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा आप 72-97 का बोर्ड मिल जाता है, ये 72-97 सिंगल आईसी है, 72-97 सिंगल आईसी ये 140 रुपीज की कॉस्ट है इसकी। इसी में 72-97 वहाँ पर डबल आईसी मिल जाएगा, वो 250 रुपीज की कॉस्ट है। 72-97 में डबल आईसी विद बास्टेबल बोर्ड मिल जाएगा, वो आपको 330 रुपीज की कॉस्ट है वो। ओके भैया उस तरह के बोर्ड भी हमारे पास, सब बोर्ड हमारे पास बहुत वैरायटी है, सारी वैरायटी कोशिश करते हैं कि रखने की हम, बाकी टाइम की बात है कि होना चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास ब्लूटूथ के सर्किट्स मिल जाएंगे सारे। ओके जैसे ये कौन सा मॉडल है? रनिंग मॉडल है, BT108 बोलते हैं इसको। ओके BT108 ये आपको 70 रुपीज का कॉस्ट पड़ेगा विद रिमोट। ठीक है भैया। इसके बाद ये मिल जाएगा आपको माइक वाला कार्ड बोलते हैं इसको, माइक वाला। ओके विदाउट डिस्प्ले होता है, इसमें डिस्प्ले नहीं होती है, ये 120 रुपीज कॉस्ट आता है, विदाउट रिमोट आता है ये। ओके रिमोट साथ नहीं आता है। इसके बाद माइक वाला ये डिस्प्ले वाला आ जाएगा, इसमें भी माइक है, डिस्प्ले है इसमें, ये 195 रुपीज का कॉस्ट करेगा, रिमोट इसमें भी साथ नहीं आता है। ओके भैया रिमोट इनमें किसी में साथ नहीं आता है। इसके बाद ये बास्टेबल का बोर्ड है, 180 रुपीज कॉस्ट है इसकी, ये देख लीजिए आप, ये वाला एक बार दिखाना, ये कितने का पड़ेगा? 180 रुपीज कॉस्ट है इसकी, 180 का पड़ेगा। बिग डिस्प्ले के अंदर आता है ये वाला, डिस्प्ले में आता है, रेड कलर की डिस्प्ले है इसकी, बहुत अच्छा कार्ड है। इसके बाद ये मिल जाएगा 190 रुपीज की कॉस्ट है इसकी। ओके 190 का मिलेगा, 190 का मिलेगा। इसके अंदर हमको डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले भी है, यूएसबी कार्ड वगैरह सब मिलता है, सब मिलेगा इसमें। ओके बहुत अच्छा है, रिमोट मिल जाएगा आपको 12 रुपए का कॉस्ट करेगा, रिमोट 12 का भी है, 15 का भी है, हर तरह का रिमोट। तो भैया ये वाला रिमोट इन सब में सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, सब में सपोर्ट करेगा। ओके इसके बाद हमारे पास ये वाला कार्ड मिल जाएगा, 009 कार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है 009 007 006 हर तरह के कार्ड ये हमारे पास मिल जाएंगे, आजकल बच्चों के खिलौनों में बहुत लग रहे हैं ये। ठीक है इसमें आपके वो हमारे पास 4 इंची के स्पीकर मिल जाएंगे इस तरह के, 53-11 मैग्नेट में 4 इंची का स्पीकर है, ये हमारे पास 27 रुपए से शुरू है। कितने वाट का होता है भैया ये? 10 वाट का होता है। 10 वाट का होता है, तो होम थिएटर्स वगैरह में तो यूज कर सकते हैं? होम थिएटर वगैरह में खूब यूज होते हैं 4 इंची के स्पीकर। ओके 4 इंची के स्पीकर, 4 इंची की जाली सब मिल जाएगी, इस तरह के सेल मिल जाएंगे हमारे पास, लिथियम आयन सेल्स, लिथियम सेल होते हैं इसमें, नया पुराना सब तरह का सेल मिल जाता है। ओके कितने रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है आपके पास में? हमारे पास 26 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 25-26 रुपए की रेंज से स्टार्ट हो गया, 42-45 रुपए तक का सेल है। ओके ये तो रिफ्रेश का है, तो रिफ्रेश का कितने से स्टार्ट होता है? इसका 24 रुपीज से स्टार्ट है हमारे पास। और ये वाले जो इधर ये सारे नए ये सब नए हैं, ये 27 रुपए का कॉस्ट आएगा, 27 रुपए का सिंगल पीस। कितने एमएच के अंदर आता है ये? 1200 एमएच आता है, फिर 2000 एमएच मिल जाएगा, 2000 एमएच मिल जाएगा आपको, 2000 एमएच 30 रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा। हर तरह का सेल है हमारे पास, जैसे आप चाहें हल्के वेट का, भारी वेट का, सब तरह का सेल है। ठीक है उस हिसाब से उनके रेट है फिर। तो भैया इधर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई है, ये एसी टू डीसी की सप्लाई है, 80 रुपीज कॉस्ट है। एसी टू डीसी कन्वर्टर है बेसिकली, रेक्टिफायर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लगा, रेक्टिफायर लगा हुआ है, 2 कंडेंसर लगे हुए हैं बस। तो भैया नेक्स्ट ये ट्रांसफार्मर आते हैं फिर? ट्रांसफार्मर मिल जाएगा 12-012 012 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर सब मिल जाएगा हमारे पास। 12-012 2 एम्पेयर मिल जाएगा आपको, उसकी कॉस्ट आपको 100 रुपए पड़ेगी, 100 रुपीज। 12-012 का 3 एम्पेयर का मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 120 रुपीज। उसके बाद हमारे पास इस तरह की टाई मिल जाएंगी, जिप टाइज जो होते हैं। हाँ जी ये टाई 6 इंची की टाई है, 20 रुपए का पैकेट है, 20 रुपीज का पैकेट है। कितने निकलते हैं इसके अंदर? 100 पीस होते हैं, 100 पीस होते हैं। इसके बाद ये जिक वायर मिल जाएगी हमारे पास, जिक वायर 70 रुपीज का बंडल है, 100 रुपीज होते हैं इसमें। ओके इसमें बड़ी जिक भी मिल जाएगी, अच्छी वाली जिक, वो 100 रुपए की आएगी, 120 रुपए की है, सब तरह की जिक। तो ये सारे भैया ये जो कनेक्टर्स है ये सब हमारे इसमें यूज लग जाते हैं, सब इसमें लग जाते हैं, सब इसमें लग जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग है डिफरेंट वैरायटी में अंदर? इसमें अलग वैरायटी है हमारे पास, ये तीनों तो एक ही वैरायटी है, अभी अलग वैरायटी भी है। इसके बाद हमारे पास ये स्क्रू मिल जाते हैं, जिप्सम स्क्रूज। ओके ये इस तरीके के स्क्रू होते हैं, ये 170 रुपीज का स्क्रू है, ड्राइव वॉल स्क्रूज, ये स्पीकर कसने के लिए चलते हैं, ये स्क्रू स्पीकर कसने के लिए यूज होते हैं ज्यादातर। हाँ क्या भैया क्या प्राइस होगा इसका? इसका 170 रुपीज कॉस्ट है इसकी पैकेट। ओके 1000। और यहाँ पे मैं सारी लिथियम आयन बैटरीज देख पा रहा हूँ, लिथियम बैटरीज है सब। ओके इनका भी प्राइस सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया? हाँ जी ये 25 रुपए की कॉस्ट है इसकी। ओके इसके बाद हमारे पास ये ट्रॉली वाला कार्ड है, 190 रुपीज कॉस्ट है इसकी। ओके ये आजकल ट्रॉली वगैरह में लगता है, जो ट्रॉली आती है खींचने वाली उसमें लगता है। ठीक है भैया और इसके बाद में ये वाला जो है ये आपका ब्लूटूथ का होता है, ब्लूटूथ के जो छोटे डमरू चलते हैं उसके अंदर लगता है, 5 बटन वाले जो डमरू होते हैं उसके अंदर लगता है, इसकी 60 रुपीज कॉस्ट है, 60 रुपए। ओके 60 रुपीज का पड़ता है, 60 रुपए कॉस्ट है इसकी। और ये वाला ये आपका 44-40 आईसी में बना हुआ है, 44-40 सैनियो 44-40 चाइना सब तरह की आईसी मिल जाएगी इसमें। 44-40 के कई तरह की रेंज है हमारे पास बोर्डों की, 170-180 रुपीज से हमारे पास बोर्ड की स्टार्टिंग है 44-40 की। ओके। और वहां से लेकर आपको 350-400 रुपए तक का बोर्ड हमारे पास 44-40 का मिल जाएगा आपको, मतलब सिंगल आईसी, डुअल आईसी, डबल आईसी में मिल जाएगा, 3 आईसी में मिल जाएगा, 44-40 3 आईसी ये 300 रुपीज का कॉस्ट करता है, 44-40 में 3 आईसी लगी है, 2 आईसी के अंदर। हाँ जी 3 आईसी है, 1 2 3
एक दो आईसी इसकी स्पीकर के लिए, छह स्पीकर ड्राइव कर सकते हैं ना, एक दो आईसी इसकी स्पीकर के लिए होती है, एक आईसी इसकी सब वूफर सेक्शन है। ओके, ये भी 2.1 बोर्ड है, ये भी 2.1 हो गया एक तरह से बेसिकली। इसमें एक आपका सब वूफर चलेगा, दो दो चैनल आपके स्पीकर्स के लिए सेट है पूरा, चार मोसफेट में सेट बना हुआ है, 5204 मोसफेट में। अच्छा, इसके अंदर 5200 लगे हुए हैं, 5200 लगा इसका वेट, देखिए आप, ये बहुत भारी सेट है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हमारा जो 5200 ट्रांजिस्टर होता है वो लगे हुए हैं। कितने वाट का है टोटल ये 200 वाट का है, इसमें चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 5200 के। ओके, और ये जो है बीटी 134 कैबिनेट के अंदर बना हुआ है। ओके, तो भैया क्या कॉस्टिंग होने वाली है इसकी? इसका कॉस्ट पड़ेगा 1100 रुपए का। हाँ जी, ओके, ये बहुत बेहतरीन सेट है, 24024 ये डायरेक्ट ट्रैक्टर वगैरह पे तो डायरेक्ट लगा दीजिए, यानी इससे हम 10 इंची तक के स्पीकर आराम से ड्राइव कर सकते हैं, दो स्पीकर 10 इंची के बहुत आराम से बजेंगे इसमें, 12 इंची तक अंकल चला देगा ये। ओके, तो गाइस एक बार भैया की शॉप के अंदर भी देख लेते हैं, भैया हमको शॉप के अंदर दिखाने वाले हैं, यहाँ पर भी काफी सारी चीजें लगी हुई हैं। तो भैया यहाँ पर क्या क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा 44-40 के रॉ बोर्ड होते हैं विदाउट आईसी रॉ बोर्ड, 30 रुपए की रेंज में मिलते हैं, इसमें सिंगल डायट, डबल डायट, चार डायट, इस तरह का रेंज का फर्क होता है। 30-40 रुपए की रेंज में होता है ये, 25 रुपए से शुरू है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आपको मिल जाएंगे एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी, ये जैसे इस तरह की एलईडी लाइट है, 3 mm 5 mm, ये देखिए 5 mm की एलईडी लाइट है हमारे पास, एलईडी लाइट 25 पैसे से लेके और 80 पैसे तक की एलईडी लाइट्स हैं, हर तरह की एलईडी लाइट है। ओके, पूरा पैकेट मिलेगा, मतलब पैकेट मिलेगा, 1000 पीस का पैकेट आता है इसमें। ओके, 250 रुपए से लेके और 800-900 रुपए तक का पैकेट होता है एलईडी लाइट्स का, हर तरह की रेंज होती है, वैरायटी होती है, उस तरह से रेट है। जैसे की ये 5 mm व्हाइट में ग्रीन है, 5 mm ट्रांसपेरेंट ग्रीन, ये आपको 280 रुपए का पैकेट पड़ेगा। ओके, कितने पीसेस होते हैं? 1000 पीस होते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास ये आयरन मिल जाएंगे, आयरन आपको 25 वाट 60 वाट सब तरह का आयरन मिल जाएगा, आयरन हमारे पास 50 रुपए से शुरू है, ये आयरन 50 रुपए का है, 25 वाट का आयरन है। ओके, इसके बाद हमारे पास 25 वाट के बाद 60 वाट का आयरन आएगा, 60 वाट का आयरन आपको दिखा। भैया हाईएस्ट वोल्टेज कितना जाता है इसके अंदर? मैक्सिमम 2560 ही ज्यादा चलता है, ये 60 वाट। ये कितने का पड़ेगा? आयरन है 120 रुपीज कॉस्ट है इसकी। ओके, 120 रुपीज हाँ जी कॉस्ट है इसकी। इसके बाद हमारे पास आपको ये मिल जाएंगे स्पीकर्स रखे हैं, देखिए सारे। ओके, ये सारे स्पीकर्स हैं, ये आजकल बच्चों की खिलौना गाड़ी बन रही है, उसके अंदर 4 इंची स्पीकर बहुत लगते हैं, ब्लूटूथ कार्ड और 4 इंची स्पीकर बहुत लगते हैं उसमें, तो उसी तरह का है ये। और भैया आपके पास में ये जो हमने अभी बाहर देखा था वही वाले बोर्ड है, वही वाले उसी तरह के बोर्ड्स हैं। और इधर मैं देख पा रहा हूँ ये जो हमारे फैंस वगैरह होते हैं इन्वर्टर्स में लगते हैं, ये या फिर कहीं भी हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कितने से स्टार्टिंग है? 30 रुपए से स्टार्टिंग रेंज है इसकी, 2 इंची 3 इंची 4 इंची साइज होते हैं एसी। okay. एक 4 इंची का एसी फैन आता है, वो भी मिल जाएगा अगर चाहिए तो, एसी के अंदर जो हमारा 220 वोल्ट से चलता है। हाँ जी ठीक है, हमारे पास ये सोल्डर्स मिल जाएंगे, सोल्डर की हमारे पास हर तरह की रेंज है, सोल्डर वायर की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसमें बहुत रेंज है हमारे पास, ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है, ये आपको 600 रुपए किलो पड़ता है। इसके बाद जो मैक्स, इसके बाद ये आ जाएगा 650 रुपए किलो है, ये 800 रुपए किलो का सोल्डर है, और ये आपको पड़ेगा 1100 रुपए किलो, ये सबसे ये अच्छा सोल्डर है, ये 1100 रुपए किलो की कॉस्ट है इसकी। तो भैया मतलब जितने जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से इसकी मतलब वैरायटी इंप्रूव होती है, हिसाब से इसके अंदर टिन ज्यादा डाला होता है। ओके, जितना ज्यादा टिन होगा उतना महंगा होगा, सोल्डर वायर का बेसिकली फंडा यही होता है कि जितना उसके अंदर टिन ज्यादा होगा उतना उसका रेट का कॉस्ट ज्यादा होगा, इसमें टिन ज्यादा है तो इसमें इसका रेट ज्यादा है, ये 1100 रुपए किलो आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है भैया, जैक मिल जाएंगे इसमें, हर तरह के आते हैं, सी टाइप भी आता है, एलजी पिन भी आती है, हर तरह के जैक्स मिल जाएंगे। ये जैक आपको 120 रुपीज का पैकेट आता है, 100 पीस का पैकेट होता है, यानी 1 रुपए 20 पैसे का एक पड़ता है। Okay. उससे शुरू होता है, और जो सी टाइप का चार्जर होता है, सी टाइप का जैक होता है, वो थोड़ा महंगा होता है, वो 2.25 रुपए के आसपास आता है, वो भी मिल जाएगा सी टाइप वाला। और भैया आपके पास में स्पीकर की ग्रिल्स भी मिल जाएंगी? हाँ जी, स्पीकर की जाली हमारे पास मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ आपको जाली की वैरायटी, ये देखिए इस तरह की हमारे पास ये जाली मिल जाएंगी स्पीकर पर, 4 इंची स्पीकर पर लगने वाली, ये इस 4 इंची स्पीकर को लग जाती है। ओके, तो मतलब अगर हम अगर हमें भैया कोई भी अपना जो होम थिएटर वगैरह होता है या टावर स्पीकर होता है, हाँ जी, उसमें अगर ये स्पीकर यूज करते हैं तब ये जाली को हम इसमें लगा जाली उसमें आप लगा सकते हैं, जाली मिल जाएगी आपको। तो भैया सिंगल पीस भी मिल जाएगा इसका? मिल जाएगा, आपको आना पड़ेगा सिंगल पीस के लिए, आप कोरियर से मंगाएंगे तो कोरियर चार्जेस आपको ही पे करने होंगे। ओके, तो कितने का पड़ता है ये हमको? ये 2 रुपए का एक पीस है, 2 रुपए का एक पीस पड़ता है। ओके, इसमें सब तरह की जाली है, साइज के ऊपर भी थोड़ा वेरी करता है, 4 इंची साइज है ये 4 इंची साइज है, बाकी इससे छोटा इससे बड़ा भी आपके पास में सब मिल जाएंगे। मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। ओके, सो गाइस ये था शॉप नंबर 56 का गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक शॉप टूर। आपने देखा भैया के पास में एम्पलीफायर बोर्ड्स की कितनी सारी वैरायटी मिल जाती है, भैया के पास में स्पीकर्स की ग्रिल वगैरह मिल जाती है, और भैया के पास में लिथियम आयन बैटरीज भी मिल जाती है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।